अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सुबह के 9 बज रहे हैं भाईजान और बारिश है, रुकने का नाम नहीं ले रही। फ्राइडे का दिन है और मौसम माशाल्लाह सुबह से यम पम हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बारिश तकरीबन सुबह 5 बजे से होना स्टार्ट हुई है, बीच में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है। आपको मैं बाहर आकर दिखाता हूँ बाहर का माहौल क्या है। पानी पानी हुआ है, ज़्यादा पानी आ रहा है तो ज़्यादा बारिश होगा, ज़्यादा कम पानी होगा तो ज़्यादा बारिश होगा, ऐसे ही कुछ है। खैर फ़िलहाल तो ये आप ग्रीनरी देखें हमारी गली के अंदर, माशाल्लाह। अच्छा, हर घर के साथ ऑलमोस्ट दरख्त लगा हुआ है एक आधा ना, ये अच्छी बात है। खैर हमारा भी लगा हुआ है जिसको हम शतूत कहते हैं, बहुत मज़े का शतूत होता है भजन। आजकल फल दे रहा है और हम मज़े से खा रहे हैं। बारिश का मौसम तो ऐसे है कि बंदा कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। खैर मेरा तो दिल ही करता रहता है हर टाइम कहीं ना कहीं जाने का। छोड़ो भाई, बड़ा घूम फिर लिया है तो आज प्रॉपर शॉप ओपन की है, तो आज क्योंकि फ्राइडे का दिन भी है। खैर शॉप को टाइम भी देंगे, बाकी आज का दिन कैसा गुजरता है। मौसम के लिहाज से तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, तो जिस तरीके से मौसम हुआ वह, बाकी आगे देखते हैं काम का कि कौन कौन से काम करने पड़ेंगे आज के दिन में। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन देखते रहिएगा, साथ रहिएगा, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। नमाज के लिए रेडी हो गए हैं, जुमे का टाइम हो रहा है, डेढ़ बज रही है, 2 बजे जुमा होता है, जाकर जुमा पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। एक जगह और भी जाना है, वो भी आपको दिखाते हैं। के अंदर भी लगा देते। ये व्यूवर्स जुमा पढ़ने आए थे, माशाल्लाह से जुनेद भाई मिल गए। आज तो हम जुनेद भाई के घर के पास आए हैं जुमा पढ़ने के लिए। और जुनेद भाई, हेलो, क्या चल रहा है? व्यूवर्स चलो ऐसे उधर भी जाना, उधर से होता हूँ फिर बैठ के गए करते हैं, अभी यहीं भी हूँ। ओके कर लेनी, जुमा शुमा पढ़ लिया है, दुआ मांग ली है, बाकी चलते हैं जी खाला के घर। आज आए हुए थे इधर, ये टिड्डे पिड्डे फिर रहे हैं, ये उदय खान है, गनी है, नमाज पढ़ने गए थे। चले व्यूअर अंदर जाके बात करते हैं फिर। अच्छा जी व्यूअर्स, खाला के घर आए हुए हैं, ये माशाल्लाह से खालू हैं मेरे, अल्लाह तिता वैसे इनका नाम है, वैसे एटी खालू कहते हैं प्यार से। और जनाब कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स से? बस ये हमजा भाई को सपोर्ट करें जी, बहुत अच्छा बच्चा है जी, माशाल्लाह मेहनत कर रहा है, आप इसको लाइक और फॉलो और चैनल करें, मेहरबानी। बाकी व्यूअर्स ये हम खा रहे हैं, इसको कहते हैं चूरी, माशाल्लाह से ये बनाई हुई थी घर वालों ने, खाला वालों ने। जुम्मे का दिन था, खैर सबको बुलाया हुआ था। मज़ेदार है व्यूअर्स, देसी घी डला हुआ है इसमें, किचन में खानी है तो आओ बिस्मिल्लाह। बाकी मैं तो खा रहा हूँ। ये व्यूअर्स प्यारा सा भांजा है मेरा, भांजा भी है, भतीजा भी है, करीम जान कैसे हो? इधर तो देख,
जाओ जाओ किम जान ऊपर जाओ, क्या लेना है? ये व्यूअर्स देखें, ये मुझे लेकर आया हाथ पकड़ कर कि मामू चीज़ लेकर दें। बैठना नहीं है मामू, चीज़ लो। चीज़ जी क्या लेना बताओ, क्या क्या पड़ा आपके पास? दे दो एक लेस दे दो और एक बिस्किट दे दो, बस बस एक और बिस्किट भी दे दो। पैसे दें? हाँ पैसे देते हैं, पैसे देंगे। जब चीज़ किसको दोगे? चीज़ कौन खाएगा? हैं, किसी को दोगे या खुद खाओगे? खुद खाओगे ना, किसी को भी नहीं देनी, ठीक है? हाँ नया चैनल बना क्रिकेट का, इधर मैं खड़ा उस पर वीडियो। डेली बच्चे आते हैं मेरे पास बेचारे, रुलते फिर रहे हैं जिनके चैनल बने हुए हैं क्रिकेट में। हाँ जी, वो क्यों रुलते फिर रहे हैं पता है आपको? हाँ क्रिकेट भजन हमारे घर के पीछे, अम्मा ने इसको तो आम खोल भी दिया है। आम कहता है एक लाइक करो स्टिंग ही बंद हो जाएगा। ये वो बंदा है, पिलाएंगे भाईजान फैंस, फैंस अपनी जाने, हम फैंस को पिलाएंगे, फैंस को पिलाएंगे, लाइक करेंगे। ऐसे नहीं आना भजन, हर वीडियो पे लाइक, हर वीडियो पे कमेंट। कितनी लाइक हो? ठीक है ना, ना ना जितनी है टोटल तो उसी पे डाल देंगे, स्क्रीन पे रहेंगे। नहीं नहीं वो आप मुझे आगे दिखाओगे कि ये हमने भाई ये देखो छोड़ दे, ये साइको है भजन छोड़ो, बस करता रहेगा, मैं पागल को बना रहा हूं। कितना सा हो गया तुझे? 15-20 दिन। 15-20 आ रहे हो स्टिंग पीने फिर? हाँ हाँ। अच्छा आप क्या कहना चाहोगे, क्या है साइको? वो क्या होता है साइको? किसे व्यूवर्स, अपने दो दोस्तों के साथ मैं आया हूँ बोतल पीने अपनी शॉप बंद करके, और चार घंटे से ये मेरा सर खा गए हैं, व्लॉगर फलां तो ये तो वो, पता नहीं 600 बातें सुना दी हैं अब। उसके बाद जाके भाई ये बोतल पिलाने पर राजी हुए हैं, और वो पीछे खड़ा है एक से ज़्यादा, वो छुप गया है, पता नहीं छुपता क्यों है। अच्छा क्या है महंगाई का दौर है, तो हो गए मेंटल। ये भजन पहली दफ़ा आया है मुल्तान में, शुजाबाद में रहता है। तो जगह तो सही बता दीजिए, उधर उस दिन ये करोला था। सब्सक्राइब करो, सर्च करो, यहाँ से करते हैं HAMZA। अच्छा अच्छा यहाँ से हो सकता है, बड़े फिलहाल ना मतलब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब 6 महीने बेचारों ने पी काटी है, और ऐसी भी घाटी है। ये व्यूअर्स माशाल्लाह बैठे बैठे फैन बन गए हैं भाई हमारे। क्या नाम है भाई का? शहबाज डोगर साहब। ये फैन भी बन गए हैं? नहीं पहले भी जानता हूँ भाई को, बोतल तो पी रहा पहले भाई को। नहीं नहीं बोतल पी है अभी। ये बेहतरीन भाई के मोबाइल में हम अपना लिंक डालेंगे, फिर भाई भी इसके साथ एक स्कैम हो गया था भजन, बंदा इसे बोतल पी के भाग गया था। मैंने यार इसका चल रहा है इलाज, ये चैनल है डेली व्लॉगिंग करता हूँ मैं ना यहाँ से। हाँ हाँ अभी है पड़ी, मैं यहाँ से ओके कर दूँ। वांट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल? यस हाँ साइन करो अभी, आप भी यूट्यूब आप इसमें गूगल अकाउंट में साइन करो। अच्छा गूगल अकाउंट बनाना, ये आप पक्का अकाउंट बनेगा। अपनी शॉप बंद करके भाई के पास आए हैं हम ठंडी ठंडी कोक पीने, आप देख सकते हैं रास्ते में हमें एक पागल मिल गया था। मैं बताता हूँ खाला को, बताता हूँ खाला के पास करेगा। बिस्किट कौन खिलाएगा? बिस्किट के पैसे किसने देने? अरे सबक सुनाते हो देखो, डंडे झंडे मारते हो इनको? हाँ जी डंडे तो लगते हैं, तो छोटी छोटी रखी हुई है, डंडा रखा हुआ है। ये देख, ये देखें व्यूअर्स,
ये हमारे मस्जिद के कारी साहब हैं और ये उनके स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक टाइम होता था कि स्टूडेंट कारी साहब के लिए कुछ लेके जाते थे खाने के लिए, घर से कुछ हलवा लेकर जाते थे, कुछ बना हुआ होता था ऐसे ही कारी साहब। ठीक है, ये गाले उल्टा बदमाशी से कहते हैं गाड़ी साहब खिलाना तो कुछ खिलाओ नहीं तो फिर सबक नहीं सुनाएगा। माशाल्लाह। अच्छा जी व्यूवर्स, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो फ्राइडे का दिन था और मौसम बहुत मज़ेदार था, उसके अलावा फिर कज़न्स के पास गया, खाला घर गया, इधर उधर दोस्तों से मिला और खैर अच्छा टाइम गुजरा, अच्छा दिन गुजरा। तो कोशिश तो थी कि अच्छा व्लॉग बनाया जाए, अच्छी वीडियो बनाई जाए, लेकिन खैर जैसी भी है एंजॉय करें। और न्यू सब्सक्राइबर और न्यू व्यूवर्स जितने भी हैं सबसे रिक्वेस्ट है यार मेहरबानी करो, यार मेहरबानी करो यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत होती है एक व्लॉग बनाने में, फिर उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ को सोच समझ के करना पड़ता है। तो मेहरबानी करो, सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो आप, ये आप सबका प्यार है और कुछ भी नहीं है, प्यार भी कह लो मेहरबानी भी कह लो कुछ भी समझ लो, लेकिन लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।